ई श्रम कार्ड के बारे में। ई श्रम कार्ड, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। ई श्रम कार्ड जो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से, क्या उसे हमको फ्री पैसे मिल सकता है। जो भी किसी के, जो भी डेली वर्क करते हैं, जो कि गरीब है, जो कि पहले के लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग पहले का जो ज़माने के लोग रहते, थोड़ा पढ़ा लिखा कम करते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं, तो कोविड की टाइम में उनको हेल्प के लिए ई श्रम कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। एक बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको, आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या क्या प्रॉफिट होगा और कैसी कैसी है, मैं आपको बताता हूँ। अब एग्जांपल, जो कोविड के टाइम में जो पानी पूरी बेचता है, जो बैलपूरी बेचता है, जो होटल चलाता है, छोटा मोटा जो सब्जियाँ बेचते हैं, तो उनका स्टोर तो बंद हो जाते हैं, दुकान तो बंद हो जाते हैं, घर पे रहते हैं, घर सब कुछ बंद हो जाते हैं, पर घर तो चलता है ना भाई। घर चलने के लिए तो पैसा चाहिए ना, पर उनकी इनकमिंग नहीं तो आउटगोइंग कहाँ से होगा। जबकि उनकी इनकमिंग है ही नहीं तो आउटगोइंग कहाँ से होगा। तो इसके लिए बनाया गया ई श्रम कार्ड। अब इसमें सब मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे कि अगर काम नहीं करेंगे, घर नहीं चलेगा, तो कुछ भी अलग बात है, भूख तो लगती है ना। भूख लगने के लिए, भूख मिटाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। पैसे के लिए तो सब्जी चाहिए ना। सब्जी मिलेगा तभी तो पैसा चाहिए ना। अभी हमको सब्जी लेना है, चावल लेना है, राइस लेना है, आटा लेना है, जो भी लेना है, उसके लिए तो पैसे चाहिए ना, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। और बहुत सारे लोग बहुत ही प्रॉब्लम में गुजार रहे हैं आजकल के दिन, कोविड के टाइम। उनका इनकमिंग ही नहीं है तो आउटगोइंग कहाँ से होगा, पैसा आ ही नहीं रहा है तो जाएगा कहाँ से। तो उनके लिए ई श्रम कार्ड बनवाया गया है। जो भी गरीब लोग हैं, जो भी कृषक है, जो भी डेली रोजगार है, जो भी मेहनती लोग हैं, जो भी काम करते लोगों के पास, जिनको पैसा नहीं है, जिनका काम नहीं है अभी, वो जाके ई श्रम कार्ड बनवाना है। तो उनमें बनवाने से प्रॉफिट क्या होगा। अभी एग्जांपल, उनका कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो 2 लाख रुपये सबको मिलेगा। और उनको मंथली ईयरली हफ्ते, टू मंथ में कुछ सारे, बहुत सारे पैसे थोड़ा बहुत पर घर चलने के लिए जितना पैसा चाहिए, गवर्नमेंट इतना उनकी हेल्प करेगी, ताकि घर चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये पैसा देंगे तभी उनकी घर चलेगी, पूरा हेल्प होगा। तो उनमें से क्या होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, ऑनलाइन भी बना सकते आप, जो कृषक है, जो भी थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम है, ऑनलाइन भी बना सकते। पर बहुत सारे लोगों को अभी ऑनलाइन बनवाने का पता नहीं, कैसे ऑनलाइन बनाता है और कैसे बनवाना है। तो उनके लिए उनके घर के आसपास नियर बाय बहुत सारे कृषक जो है, ई श्रम कार्ड जो है कहीं भी बनता है अभी, वो स्टोर में, दुकान में जाके आप बनवा सकते हो, जो इनको पता नहीं। पर बहुत ही आसानी, आप ऑनलाइन वेबसाइट में, ई श्रम कार्ड की ऑनलाइन वेबसाइट में जाके भी आप बनवा सकते हो। अगर आपको पता नहीं कैसे बनवाते, तो आप अपना नियर बाय जो भी स्टोर है, जो भी दुकान है, आप वहाँ पर जाके आप बनवा सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। तो उसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आधार कार्ड लेके जाना, या फिर बैंक अकाउंट, जो भी लिंक है, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड लेके जाना, उनको जाके आप देना, आपके आधार कार्ड जो भी उसके साथ आपका ई श्रम कार्ड लिंक करके दे देंगे, आपकी जो बैंक अकाउंट, जो भी अकाउंट है, उसको लिंक करके दे देंगे। तो उसके थ्रू से आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेगा, पैसा आते रहेगा, पैसा इनकमिंग होते रहेगा थोड़ा बहुत, जिससे कि आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। पर अभी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो भी अमीर हैं, जिनके पैसे का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसा ही पैसा है उनके पास, मतलब उनके चलने के लिए बहुत सारा पैसा है, कोई इशू नहीं है, पर वो लोग घर बैठे बैठे बोर हो गए, क्या करें, कुछ तो करें, पर करें क्या, उनको समझ में नहीं आया। तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी ऑनलाइन में जो भी देखते हैं वो करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी श्रम कार्ड है, जो भी अमीर लोग हैं वो भी अप्लाई करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उनके पैसे की प्रॉब्लम नहीं है उनको करना नहीं चाहिए, जिनको ज़रूरत है पैसे की उनको ही करना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया। शॉर्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो मैं आपको बताना चाहता था। जो भी कृषक है, जिनके भी प्रॉब्लम है पैसों की, आप ई श्रम कार्ड बनवाइए, आपकी बहुत ही मदद होगा, हेल्प होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।